नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अब कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है। सुरक्षा के सारे नियम आप अपनाएं, भीड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, एहतियातन सभी टीके समय पर लगाएं, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण 9 जनवरी को युवा सपने और छत्तीसगढ़ पर होगी केंद्रित। नगरीय क्षेत्रों में गौशाला की स्थापना हो, साथ ही आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से करें रोजगार सृजन, कमिश्नर ने दिए निर्देश। चिकित्सा महाविद्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी से। और आपसी विवाद को लेकर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अर्थव्यवस्था में गोवंश के महत्व को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए गौठानों की स्थापना की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में गौशालाओं की स्थापना के निर्देश कमिश्नर G.R. चुरेंद्र ने दिए। उन्होंने जिले के सभी कलेक्टरों को शहर के क्षेत्रों में घुमंतु पशुओं के कारण होने वाली समस्याओं को देखते हुए गौशालाओं की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गौठानों की तर्ज पर गौशालाओं को भी विभिन्न रोजगारमूलक कार्यों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जा सकता है और इसके लिए गौशालाओं में चरागाह विकास, तालाब, कुआं, नलकूप खनन आदि कार्यों की आवश्यकता होगी। इन गौशालाओं का संचालन निर्धन परिवारों की महिलाओं के माध्यम से किए जाने पर गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने घुमंतु पशुओं की संख्या अधिक होने पर एक से अधिक गौशालाओं की स्थापना के निर्देश भी दिए, जहां पशुओं को 24 घंटे रखे जाने की व्यवस्था हो। इन घुमंतु पशुओं में प्रजनन योग्य पशुओं का गर्भाधान कराने और दुग्ध उत्पादों के साथ गोबर और गौमूत्र जैसी उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति से रोजगार सृजन की बात भी उन्होंने कही। इन गौशालाओं के प्रबंधन में पशुओं के उपचार के लिए पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी तैनात करने के निर्देश श्री चुरेंद्र ने दिए। कोरोना के बढ़ते मामले के साथ ही तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए विवाह, रैली, सामाजिक, धार्मिक और खेलकूद जैसी गतिविधियों की अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को अधिकृत किया गया है। अनुविभागीय दंडाधिकारियों द्वारा कोरोना के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन की शर्त पर इन गतिविधियों के आयोजन की अनुमति प्रदान की जाएगी। स्वर्गीय श्री बलिराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन 17 जनवरी से 7 फरवरी तक प्राप्त किए जाएंगे। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बस्तर संभाग विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड जगदलपुर के वेबसाइट jssbbastar.cgstate.gov.in के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। बस्तर संभाग के सभी जिलों के युवा इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के पात्र होंगे। बस्तर संभाग विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड जगदलपुर के परीक्षा नियंत्रक ने बताया, परीक्षा 13 मार्च 2022 रविवार को संभावित है। परीक्षा प्रथम पाली पूर्वान 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 से 4 बजे तक होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 17 जनवरी से 7 फरवरी 2022 सोमवार तक है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने के लिए 8 फरवरी से 12 फरवरी 2022 तक का समय दिया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 25 फरवरी रविवार से है। परीक्षा केंद्र बस्तर संभाग मुख्यालय में नियत किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की विस्तृत जानकारी बस्तर संभाग के विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड जगदलपुर के वेबसाइट पर उपलब्ध है। नगरनार पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनसे 117 किलो गांजा बरामद किया गया। विस्तृत जानकारी दी हमें DSP हेमसागर सिदार ने। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां पिछले 24 घंटे के अंतर्गत नगरनार पुलिस के द्वारा दो गांजा के प्रकरणों में दो आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने और में सफलता हासिल की गई है। थाना नगरनार को सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई गांजा तस्कर उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर गांजा की तस्करी कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर तारापुर की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा तारापुर में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग के एक बोलेरो वाहन को रोककर चेक किया गया,
जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति देवेंद्र खिलो मिला, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम देवेंद्र खिलो निवासी उड़ीसा का होना बताया गया, जिसके बोलेरो की तलाशी लेने पर जिसमें 115 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर कोई वैधानिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी के कब्जे से 115 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया और आरोपी के विरुद्ध धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तत्पश्चात जो है थाना नगरनार को एक सूचना और प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर और गांजा तस्करी कर रहा है। सूचना पर ग्राम नगरनार में थाना नगरनार की टीम चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। दौरान चेकिंग के एक ट्रक को रोककर चेक किया गया, जिसमें से एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम किशुन उराव निवासी गढ़वा झारखंड का होना बताया गया, जिसके ट्रक की तलाशी लेने पर उक्त ट्रक में 185 किलोग्राम अवैध गांजा मिला, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर कोई वैधानिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। और इस मामले में भी 185 किलोग्राम अवैध गांजा आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया है और आरोपी के विरुद्ध धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। और उक्त दोनों मामलों में दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 300 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए आंकी गई है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है और उक्त दोनों मामले थाना नगरनार के अंतर्गत विवेचनाधीन है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 एमबीपीएस। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में, आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर पुलिस के द्वारा लगातार अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पेट्रोलिंग गश्त का अभियान चलाया जा रहा है। 6 जनवरी को रात्रि लगभग 8 बजे गणपति रिसॉर्ट गोरियाबहार नाला पुल के पास आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके संबंध में प्रार्थी राज कौशिक ने आरोपी पिंटू, शुभम सेट्टी, शाहिल दास और सौरभ दास के खिलाफ मारपीट और लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए महारानी अस्पताल भेजा था। निरीक्षक एमन साहू को आरोपी शुभम शेट्टी और पिंटू कश्यप के संजय बाजार में छुपे होने की सूचना मिली, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी पिंटू कश्यप के कब्जे से धारदार चाकू बरामद किया गया। दोनों आरोपियों ने प्रार्थियों के साथ आपसी विवाद और चाकू से और डंडे से हमला करके चोट पहुँचाना स्वीकार किया।
आरोपियों प्रशांत यानी पिंटू कश्यप और शुभम सेट्टी के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर में अपराध दर्ज कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 25वीं कड़ी का प्रसारण 9 जनवरी को होगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल लोकवाणी में इस बार युवा सपने और छत्तीसगढ़ विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक होगा। शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के क्रीड़ा विभाग द्वारा आयोजित सेक्टर स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच शुक्रवार 7 जनवरी को PG कॉलेज जगदलपुर और PG कॉलेज कुंडागांव के मध्य खेला गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम पार्षद बलराम यादव, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर अभिषेक वाजपेयी और PG कॉलेज के पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान में रणजी ट्रॉफी खेल रहे सौरभ मजुमदार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वी विजयलक्ष्मी ने की। प्रतियोगिता में बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार आदर्श ठाकुर को, बेस्ट बॉलर का पुरस्कार अर्पित को, बेस्ट विकेट कीपर का पुरस्कार गौरव को और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार फालेश्वर को दिया गया। चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण 9 जनवरी को, युवा सपने और छत्तीसगढ़ पर होगी केंद्रित। नगरीय क्षेत्रों में गौशाला की स्थापना हो, साथ ही आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से करें रोजगार सृजन, कमिश्नर ने दिए निर्देश। चिकित्सा महाविद्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी से। और आपसी विवाद को लेकर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।